फ्रेंड्स, प्रयाग मैजिक में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है कीमा मसाला। कीमा मसाला मैं किस तरीके से बनाती हूँ देखिएगा। इसके अंदर हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक हमको ग्रेवी में भी डालना है तो हम कम डालेंगे इसमें नमक। इसके अलावा इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हम अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जिंजर पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर हम। एक बड़ा चम्मच इसमें हम दही डालेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ऑरेंज वाला, ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिला देते हैं और इसको फिर हम एक साइड डालेंगे। बहुत ही बढ़िया और डिलिशियस रेसिपी बनने वाली है, देखिएगा मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। इसके बाद हम आगे की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। गैस पे हमने पैन रख दिया है, पैन गरम हो गया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो इसे बटर में बना सकते हैं, मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ। चार से पांच चम्मच मैं इसमें ऑयल डाला है। तेल हमारा गरम हो चुका है तो इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ अदरक है, लहसुन है और हरी मिर्च है, तीनों को मैंने एक साथ ग्राइंडर में बारीक कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी, इनको हमें गोल्डन होने तक अच्छे से भूनना है। अच्छे से सिकाई करके इसको भूनना है। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इस समय पे हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार, कितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। थोड़ा नमक डालेंगे, नमक आपको कितना पसंद है। इसके अलावा हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर हम। इसमें एक चम्मच हम तंदूरी मसाला डालेंगे, थोड़ी सी इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे। इसको हम अच्छे से चला लेते हैं एक बारी। इसके अलावा हम इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर डालेंगे जो हमने थोड़ा बारीक बारीक कट कर लिया है मसाले को। टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया है, हरी मिर्च अदरक लहसुन प्याज सबको हमने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है और इसको हम अच्छे से तेल छूटने तक इसको हम भुनेंगे। बहुत ही अच्छा मसाला भुन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तक इसमें कीमे वाला मसाला डला ही नहीं है, बहुत ही यम्मी बन रहा है आज। इसमें भी बीच में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिएगा, नहीं तो ऑप्शनल है ये। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है और ऑयल भी छोड़ दिया मसाले ने। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, एक बाउल में इस मसाले को निकाल लेते हैं। फिर से वही पैन लिया है हमने, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 3 से 4 चम्मच। तेल हमारा गरम हो चुका है, इस समय पे हम इसके अंदर एक तेज पत्ता डालेंगे, इसे बेली भी बोलते हैं। एक बड़ी इलायची डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे और 2-3 काली मिर्च और 2 लाल मिर्च, 2 इलायची डालेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा सा चटक जाए जब तक इसको हम चला लेते हैं। ये जो कीमा हमने मैरिनेट किया था अब इसको हम इस तेल के अंदर डाल देते हैं। इसको हम खूब अच्छे से भूनते रहेंगे, बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा आपको लगने लग जाएगा कि हल्का हल्का पकने लग गया है, जब तक हमको इसको भूनना है अच्छे से। ये देखिए कि मैंने थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, अब इस समय पे हम इसको थोड़ा भूनते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सूखा ना हो जाए। जब तक
कीमे का पानी सूखने लग गया है, इस तरह से हमने जो मसाला बनाया था वो इसमें हम मिला देते हैं और दोनों को अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिएगा बहुत अच्छे से मसाला इसमें मिल चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, फिर एक बार बीच में चेक कर लेंगे। बन रही है तब तक हम एक एग फ्राई कर लेते हैं। मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम एग फ्राई बनाएंगे। घी हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालते रहेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके ऊपर हम और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। ये लीजिए एग फ्राई हमारा तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम कीमे को चेक कर लेते हैं एक बार। जो हमारा कीमे की रेसिपी बन रही है उसको चेक करते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, एक बार हम चेक करते हैं। वाह, ऑयल ऊपर आ गया है, सब्जी लगभग तैयार है हमारी। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी कर सकते हैं। मैं इसे सूखा रख रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को भुनवा कीमा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए सूखा रख रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेवी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा हरा धनिया और डाल देते हैं और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। भुनवा कीमा बहुत ही अच्छा बना है। इस पर हम ये पॉच बनाया था हमने एग का, इसको रख देंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डालेंगे हम। बहुत ही यम्मी और बहुत टेस्टी बना है ये, बहुत ही अच्छा है ये। आप इसे गर्म गर्म रोटी के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे पाव के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो ब्रेड के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो पुलाव के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ भी आप खाना चाहें इसे खा सकते हैं। देखिए कितना टेस्टी और डिलीशियस बना है, बहुत ही यम्मी बना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी इजी सी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक बार जरूर बना के देखिएगा। बहुत ही डिलीशियस, यम्मी और बहुत ही इजीएस्ट तरीके से मैंने आपको बताई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी कोई नई रेसिपी